So hello and welcome back. I am Dr. Rahil Chaudhary, eye doctor, cataract and refractive surgeon. आज के वीडियो में मैं आपको हेड ऑन हेड कंपैरिजन देने वाला हूं दो लेसिक मशीन्स का, Alcon की EX500 एंड Schwind Amaris 1050. और क्या रीजन है कि Alcon की मशीन पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर मशीन है. इनफैक्ट अभी कुछ दिनों पहले मैं अमेरिका में था, एक कॉन्फ्रेंस में था, जहां पे एक प्रेजेंटेशन हो रही थी जहां पे ये बताया जा रहा था कि कौन सी मशीन पॉपुलर है दुनिया में लेसिक ऑपरेशंस करने के लिए. एंड इतनी इंटरेस्टिंग बात पता चली कि 75% ऑपरेशंस जो दुनिया में हो रहे हैं चश्मा हटाने के लेसिक ऑपरेशंस, 75% हर चार में से तीन ऑपरेशंस जो होते हैं दुनिया में वो Alcon की WaveLight EX500 वाली मशीन पे होते हैं. और एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं कि आप इंडिया में बिल्कुल टॉप इंस्टीट्यूट देखिए, AIIMS हो गया, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली में, LV प्रसाद हो गया हैदराबाद में, इन टॉप इंस्टीट्यूट्स में Alcon की EX500 मशीन लगी हुई है. इनफैक्ट पूरे इंडिया में और ऑल ओवर वर्ल्ड सबसे ज्यादा जो मशीन इंस्टॉल्ड है वो Alcon की EX500 मशीन है. तो क्यों इतनी पॉपुलर है और क्यों ये मशीन Schwind Amaris से सुपीरियर है, और क्लिनिकल स्टडीज में भी ऐसा आ रहा है कि Alcon EX500 Schwind Amaris 1050 से सुपीरियर है, ये मैं आपको सारा अभी प्रेजेंटेशन में दिखाने वाला हूं. एक एक पॉइंट मैंने टैबुलर फॉर्म में बनाया है, तो चलिए शुरू करते हैं. देखिए जो फर्स्ट डिफरेंस है दोनों मशीन्स का वो है लेजर रेपिटेशन रेट का डिफरेंस. लेजर रेपिटेशन रेट का मतलब होता है कि कितनी फास्ट हम लेजर आंख पर डालते हैं. तो Alcon में ये रेपिटेशन रेट है 500 हर्ट्ज का, एंड Schwind Amaris में ये रेपिटेशन रेट है 1050 हर्ट्ज का. तो Schwind Amaris में जो ट्रीटमेंट्स हैं वो Alcon से कंपेयर्ड 1 सेकेंड ज्यादा फास्ट होती है. इसका मतलब अगर मैं Alcon मशीन में पेशेंट को ऑपरेशन कर रहा हूं, अगर मुझे उसमें 8 सेकेंड्स लग रहे हैं ऑपरेशन को करने में, तो Schwind Amaris मशीन में 7, 1 सेकेंड कम लगता है. तो क्वेश्चन ये आता है कि अगर 1050 रेपिटेशन रेट वाली टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में अवेलेबल है तो Alcon अपनी मशीन को क्यों अपग्रेड नहीं कर रहा, क्यों 500 हर्ट्ज पे Alcon रुका हुआ है. देखिए ऐसा नहीं है कि Alcon ने अपनी मशीन को अपग्रेड करा नहीं है, Alcon ने भी अपनी मशीन को 1050 हर्ट्ज पर अपग्रेड कर दिया था, लेकिन फिर दोबारा इसको 500 हर्ट्ज पे डाउनग्रेड करा. और उसका क्या रीजन है ये हमें समझना है. देखिए ज्यादा स्पीड से आपके 1-2 सेकेंड तो बच जाते हैं, लेकिन अगर ट्रीटमेंट करने में 1-2 सेकेंड ज्यादा लग जाए वो प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम ये है कि ये जो लेजर हम आंख पर डालते हैं चश्मा हटाने के लिए, ये एक बर्निंग लेजर है, एक अब्लेटिव लेजर है. जब ये लेजर आंख पर डलता है, काली पुतली पर डलता है, तो ये काली पुतली के कुछ टिश्यू को बर्न करता है, उसको जला कर हटाता है, जिससे काली पुतली का शेप जो है वो चेंज हो जाता है और चश्मे का नंबर ठीक हो जाता है. तो जब ये बर्निंग होती है तो जो हमारा कॉर्नियल टिश्यू है जहां पर लेजर डाला जा रहा है वो हीट अप हो जाता है. तो बहुत ज्यादा फास्ट अगर हम लेजर डालेंगे तो ये ज्यादा जल्दी हीट अप हो जाएगा, और इसके हीटिंग अप की वजह से आंख में एक प्रॉब्लम होती है, उसको कहते हैं लेजर इंड्यूस्ड थर्मल इंजरी या बर्न्स, वो हो जाते हैं. तो इन थर्मल बर्न्स को अवॉइड करने के लिए जानबूझ के जो लेजर का रेपिटेशन रेट है उसको कम रखा जाता है, ताकि जब लेजर आंख पर फॉल करे तो वो बहुत जल्दी ना डले, ताकि टिश्यू को थोड़ा सा ठंडा होने का, थोड़ा कूलिंग ऑफ पीरियड मिले और ये थर्मल बर्न्स ना हो. ये मैं आपको स्टडी में भी अभी दिखाऊंगा कि इसी रीजन से Alcon के जो रिजल्ट्स हैं वो सुपीरियर हैं कंपेयर्ड टू Schwind Amaris. अच्छा, फिर Schwind वाले कहते हैं कि हमारी मशीन में हमने एक स्पेशल सॉफ्टवेयर डाला हुआ है
जिससे ये जो फास्ट लेजर की वजह से थर्मल बर्न्स होते हैं कॉर्निया में, ये नहीं होते। एक दो सेकंड बचाने के चक्कर में आपने आंख में एक नई प्रॉब्लम डाल दी और अब उस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए आप एक नया सोल्यूशन लेके आ रहे हो। तो इस सब की क्या जरूरत है? कोई रीजन है ना कि जो दुनिया की टॉप एंड पॉपुलर मशीन्स हैं, एल्कॉन की मशीन, जाइस की मशीन, जॉनसन जॉनसन की मशीन, ये अपने लेजर रेपिटेशन रेट को कम रखते हैं, जानबूझ के इसको कम रखा जाता है। तो जबरदस्ती आप उसको बढ़ा के अब एक नया सॉफ्टवेयर मशीन में डाल दो जिससे थर्मल बर्न्स ना हो, सिर्फ एक दो सेकंड बचाने के लिए, इसकी तो कोई सेंस ही नहीं बनती ना। अच्छा, ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ लेजर का रेपिटेशन रेट को बढ़ा दिया। ये सेकंड पॉइंट है जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रैकिंग रेट। देखिए, आपने लेजर का फायरिंग रेट को तो बढ़ा दिया, लेकिन उसके अकॉर्डिंग आपको आंख को ट्रैक भी करना है, क्योंकि लेजर हमेशा उसी जगह पर जाना चाहिए जहां पे उसको जाना है। अगर लेजर आ रहा है और आंख की ट्रैकिंग प्रॉपर नहीं हो रही और लेजर को आते हुए आंख हिल गई, तो लेजर गलत जगह चला जाएगा और रिजल्ट जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। तो जानबूझ के एल्कॉन ने जो लेजर फायरिंग रेट है उसको ट्रैकिंग रेट से कम रखा है। तो एल्कॉन की मशीन में और श्विंड की मशीन में, दोनों में ट्रैकिंग रेट तो सेम है 1050, लेकिन लेजर रेपिटेशन रेट एल्कॉन में 500 है और श्विंड में 1050 है। और जानबूझ के ये एल्कॉन ने कम रखा है कि जब लेजर फॉल कर रहा है तो जो ट्रैकिंग है वो ज्यादा फास्ट है लेजर के रेपिटेशन रेट से, तो हमेशा लेजर वहीं पे जाएगा जहां पे लेजर को फॉल करना है। सो दोनों मशीन्स का जो ट्रैकिंग सिस्टम है, जो ट्रैकिंग रेट है, वो बिल्कुल सेम है 1050 हर्ट्ज। बस इसको श्विंड वाले कहते हैं 7D ट्रैकिंग और एल्कॉन वाले कहते हैं मल्टी डायमेंशनल ट्रैकिंग। अच्छा, स्पीड कम और ट्रैकिंग फास्ट होने की वजह से एल्कॉन की जो मशीन है वो हर लेजर स्पॉट को फायर करने से पहले दो बार चेक करती है कि वो स्पॉट बिल्कुल परफेक्ट जगह पर फायर हो रहा है, कंपेयर्ड टू श्विंड मशीन जिनकी जो लेजर रेपिटेशन रेट, जो लेजर फायर करने का रेट है, वो भी फास्ट है और ट्रैकिंग तो उतनी ही फास्ट है जितनी एल्कॉन में फास्ट है। तो श्विंड की मशीन जो है वो हर लेजर स्पॉट को फायर करने से पहले सिर्फ एक बार चेक करती है, तो इससे एक्यूरेसी का डिफरेंस आता है। ये एल्कॉन की मशीन दो बार चेक करती है कंपेयर्ड टू श्विंड की मशीन जो सिर्फ एक बार चेक कर पाती है। इसीलिए हम लेजर रेपिटेशन रेट को कम रखना चाहते हैं और ट्रैकर को फास्ट रखना चाहते हैं, जिससे हमारी लेजर फायरिंग की जो एक्यूरेसी है वो सबसे हाईएस्ट रहे। अब लेटेंसी क्या है ये हमें समझना है, थोड़ा सा साइंटिफिक है। मार्केटिंग को हम अलग रख रहे हैं, श्विंड वाले आके मार्केट करते हैं भाई हमारा तो फास्टेस्ट लेजर है, हमारा फास्टेस्ट ट्रीटमेंट टाइम है, लेकिन सारा कुछ फास्ट नहीं होता। फास्ट के साथ आपको ट्रैकिंग रेट और लेटेंसी भी देखना होता है। अब लेटेंसी क्या होता है? लेटेंसी का मतलब होता है कि जब लेजर आंख पर फॉल कर रहा है और मान लीजिए आंख हिल गई, तो पहले लेजर मशीन को डिटेक्ट करना है कि आंख हिली, उसके हिसाब से लेजर मशीन को अपने अंदर के जो मिरर्स हैं उसकी डायरेक्शन को चेंज करना है जिससे लेजर बीम की डायरेक्शन चेंज हो, और अगर आंख हिल गई है तो लेजर मशीन भी लेजर को अकॉर्डिंगली एडजस्ट करके वहीं डालेगी जहां पे उसको जाना है। तो ये जो लेटेंसी रेट है ये करीब 1-2 मिली सेकेंड का होता है। भाई आंख हिलेगी तो पहले मशीन को डिटेक्ट करना है, वो पहले डिटेक्ट करेगा, अपने मिरर्स को चेंज करेगा और लेजर की डायरेक्शन को चेंज करेगा, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो एल्कॉन जो है इस लेटेंसी को इनकॉर्पोरेट करता है जिससे ट्रीटमेंट हमारी और एक्यूरेट रहती है कंपेयर टू श्विंड, जहां पे लेजर का रेपिटेशन रेट और ट्रैकिंग रेट दोनों को सेम कर दिया है। और फिर श्विंड वाले कहते हैं अपनी मार्केटिंग में कि हमारा जो लेटेंसी पीरियड है वो जीरो है, इंस्टेंटेनियस है, कि जैसी आंख हिलेगी इमीडिएटली मशीन भी लेजर को हिला देती है। लेकिन साइंटिफिकली ये पॉसिबल नहीं है, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि जब आंख हिलेगी तो पहले मशीन को डिटेक्ट करना है कि आंख हिली, वो पहले डिटेक्ट करेगी, अपने अंदर के मिरर्स की डायरेक्शन को चेंज करेगी जिससे लेजर लाइट की डायरेक्शन चेंज होगी। तो इस पूरे प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ना। तो ये जो लेटेंसी का फैक्टर है
ये एल्कॉन ने अपनी मशीन पर इनकॉर्पोरेट करा है, इसलिए जानबूझकर रेपिटेशन रेट, लेजर रेपिटेशन रेट को कम रखा है, ट्रैकिंग रेट को ज्यादा रखा है, जिससे हमें प्रोसीजर में 100% एक्यूरेसी मिलती है। तो ये रीजन है कि जानबूझ के एल्कॉन अपने लेजर रेपिटेशन रेट को 500 से नहीं बढ़ा रहा, क्योंकि हम ट्रैकिंग और लेटेंसी में कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। हम ऐसा नहीं करना चाहते कि लेजर रेपिटेशन रेट और ट्रैकिंग को बिल्कुल सेम कर दिया और फिर बोल दिया कि मेरी मशीन तो भाई जीरो लेटेंसी पे है। जीरो लेटेंसी वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं कर सकती, साइंटिफिकली पॉसिबल नहीं है। अच्छा, एक और फीचर जो एल्कॉन की मशीन में अवेलेबल है और श्विंड की मशीन में नहीं अवेलेबल, वो है न्यूरो ट्रैकिंग का फीचर। इस न्यूरो ट्रैकिंग के फीचर से हम लोग जो आपके चश्मे का जो सिलेंडर करेक्शन है उसको ज्यादा एफिशिएंटली और एक्यूरेटली करेक्ट कर पाते हैं। अच्छा, फिर हम बात करते हैं सेफ्टी अप्रूवल्स की। देखिए, इस वर्ल्ड में ना दो लेवल के सेफ्टी अप्रूवल्स हैं, एक है हायर लेवल सेफ्टी अप्रूवल, एक है लोअर लेवल सेफ्टी अप्रूवल। तो हायर लेवल सेफ्टी अप्रूवल्स में दो अप्रूवल्स आते हैं, अमेरिका का यूएस एफडीए अप्रूवल एंड यूरोप का एमडीआर अप्रूवल, और लो लेवल सेफ्टी अप्रूवल में आता है यूरोप का सी अप्रूवल। तो एल्कॉन की मशीन के पास हाई लेवल का सेफ्टी अप्रूवल यूएस एफडीए वाला और लो लेवल का सेफ्टी अप्रूवल सीई वाला दोनों अवेलेबल है, कंपेयर्ड टू श्विंड मशीन जिसके पास सिर्फ सीई अप्रूवल है। यूएस एफडीए एंड एमडीआर जो हाई लेवल के सेफ्टी अप्रूवल्स होते हैं वो श्विंड के पास अवेलेबल नहीं है। अच्छा, ये यूएस एफडीए का अप्रूवल होना या ना होना इतनी बड़ी बात होती है कि जब कॉन्फ्रेंसेस में ये कंपनीज पार्टिसिपेट करती हैं तो उनको अपनी मशीन के ऊपर एक बिल्ला लगाना पड़ता है कि ये मशीन यूएस एफडीए से अप्रूव्ड नहीं है। इतनी बड़ी बात होती है कि उनको डिस्प्ले में लिखना पड़ता है ये, बाकी कुछ डिस्प्ले में नहीं लिखा होता, लेकिन ये सामने लगा होता है कि भैया ये वाली मशीन जो है ये यूएस एफडीए से सेफ्टी के लिए अप्रूव नहीं है। इसका मतलब आज की डेट में 2025 में श्विंड अमारिस 1050 लेसिक मशीन के पास ना ही यूएस अमेरिका का कोई सेफ्टी अप्रूवल है, ना ही यूरोप का कोई सेफ्टी अप्रूवल है, क्योंकि 2021 के बाद यूरोप में सिर्फ एमडीआर का सेफ्टी अप्रूवल को माना जाता है, आज की डेट में सीई अप्रूवल की कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा, अब बात करते हैं कि इन मशीन्स पर हम कौन से टाइप के ट्रीटमेंट्स कर सकते हैं। तो देखिए, क्योंकि एल्कॉन वर्ल्ड लीडर है तो सारे ट्रीटमेंट्स एक तरह से एल्कॉन ने ही वर्ल्ड में लॉन्च करे हैं। तो आज की डेट में 2025 में हम लोग रे ट्रेसिंग टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं चश्मा हटाने के लिए, जो सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है। रे ट्रेसिंग टेक्नोलॉजी सिर्फ एल्कॉन की EX500 मशीन में अवेलेबल है, श्विंड मशीन में अवेलेबल नहीं है। सो एल्कॉन में रे ट्रेसिंग वाला ऑपरेशन भी हो सकता है, उसको हम लोग कहते हैं इनोवाइज ऑपरेशन, जो आज की डेट में सिर्फ एल्कॉन की मशीन में अवेलेबल है और किसी मशीन में अवेलेबल नहीं है, और आज की डेट में सबसे लेटेस्ट टेक्निक है चश्मा हटाने के लिए। साथ ही साथ एल्कॉन की मशीन में टोपो गाइडेड ऑपरेशन भी हो सकता है, जिसको हम लोग कहते हैं कंट्यूरा विजन वाला ऑपरेशन, जो बहुत पॉपुलर हुआ था। वेव फ्रंट गाइडेड वाला ऑपरेशन भी हो सकता है, जिसको हम लोग कहते हैं WFG वाला ऑपरेशन एल्कॉन की मशीन पे, एंड एस्फेरिक ऑपरेशन भी हो सकता है, जिसको हम लोग कहते हैं WFO वाला ऑपरेशन एल्कॉन की मशीन में। साथ ही साथ एल्कॉन की मशीन में ट्रांस एपिथीलियल PRK, नो टच नो कट नो फ्लैप नो ब्लेड वाला ऑपरेशन भी हो सकता है, जिसको हम लोग कहते हैं एपिकॉन्ट्यूरा स्ट्रीमलाइट ऑपरेशन। एंड कंपेयर टू श्विंड, रे ट्रेसिंग वाला ऑपरेशन श्विंड में अभी अवेलेबल नहीं है, टोपोग्राफी वाला ऑपरेशन श्विंड में हो सकता है, उसको कहते हैं स्मार्ट लेसिक। वेव फ्रंट गाइडेड वाला ऑपरेशन श्विंड में हो सकता है, उसको कहते हैं कस्टम आइज। एस्फेरिक वाली ट्रीटमेंट श्विंड में हो सकती है, इसका मशीन में कोई नाम नहीं दिया। एंड नो ब्लेड नो कट नो टच नो फ्लैप जो ट्रांस एपिथीलियल PRK वाला ऑपरेशन है वो भी श्विंड मशीन में हो सकता है, उसको हम लोग कहते हैं स्मार्ट सर्व। तो एल्कॉन की मशीन ज्यादा अपग्रेडेड है कंपेयर टू श्विंड मशीन, क्योंकि एल्कॉन ज्यादा वेरिएशंस है टेक्नोलॉजी ऑपरेट करने की कंपेयर टू श्विंड। अच्छा, देखिए क्या होता है, जिसके पास एल्कॉन की मशीन है वो बोलता है कि मेरी मशीन सबसे बेस्ट है, जिसके पास श्विंड की मशीन है वो कहता है मेरी मशीन सबसे बेस्ट है। तो हम लोग ये देखते हैं कि रियल लाइफ क्लिनिकल सेटिंग्स जो स्टडीज हुई हैं, दुनिया में 3 स्टडीज हुई हैं जहां पे एल्कॉन की EX500 वाली मशीन को श्विंड की 1050 वाली मशीन के साथ कंपेयर करा गया है,
और ये तीनों स्टडीज के लिंक भी मैं नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, सामने प्रेजेंटेशन में भी लगा दिया मैंने, और तीनों स्टडीज में आया है कि Alcon EX500 मशीन ज्यादा सुपीरियर है हमारे 1050 मशीन से। ये मैं नहीं कह रहा, ये वर्ल्ड की स्टडीज कह रही हैं। दुनिया में लोगों ने, डॉक्टर्स ने, साइंटिस्ट ने, रिसर्चर्स ने दोनों मशीन्स को कंपेयर करा है। जैसे मैं आज वीडियो बना के आपको बता रहा हूं कंपैरिजन, ये इन्होंने एक्चुअल रियल लाइफ सेटिंग्स पेशेंट में ऑपरेशन करके दोनों मशीन्स को कंपेयर करा है, और तीन स्टडीज हुई आज तक दुनिया में इन दोनों मशीन को कंपेयर करने के लिए, और तीनों स्टडीज में Alcon की मशीन सुपीरियर आई है। अच्छा, फिर जो दोनों मशीन में की डिफरेंस है वो ये है कि कितना टिश्यू अब्लेट होगा एक नंबर का चश्मा हटाने के लिए। देखिए क्या होता है कि जब हम लेजर का ऑपरेशन करते हैं, आपके चश्मे का नंबर ठीक करते हैं, तो बेसिकली हम इसमें कर क्या रहे हैं, हम आपकी काली पुतली को, थोड़ा सा टिश्यू को रिमूव कर रहे हैं और चश्मे के नंबर को ठीक कर रहे हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि कम से कम टिश्यू को रिमूव करना पड़े नंबर को ठीक करने के लिए। तो जो Alcon की EX500 मशीन है वो एक नंबर को ठीक करने के लिए करीब 13 माइक्रॉन्स का टिश्यू यूज करती है, कंपेयर टू Schwind Amaris की मशीन जो एक नंबर को ठीक करने के लिए करीब 17 माइक्रॉन का टिश्यू यूज करती है। सो Schwind की मशीन ज्यादा टिश्यू को हटाती है उतना ही नंबर को ठीक करने के लिए, जो कम टिश्यू को हटा के हम Alcon में कर सकते हैं। सो अगेन मैं थोड़ा सा आपको ये क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि मार्केटिंग करते हुए तो इंसान कुछ भी बोल देता है, उस टाइम उसको अपनी टेक्नोलॉजी को बेचना है, दूसरे बंदे को कन्विंस करना है, लेकिन साइंस क्या कहती है। एज डॉक्टर्स हम लोग साइंस में बिलीव करते हैं, वी आर डॉक्टर्स ऑफ मॉडर्न मेडिसिन, हम लोग एविडेंस बेस्ड आउटकम्स एंड रिजल्ट्स को स्टडी करके अपनी ओपिनियन बनाते हैं। तो फाइनल रिजल्ट जो सामने आया है वो ये आया है कि Alcon EX500 मशीन आज की डेट में वर्ल्ड की सबसे ज्यादा सुपीरियर लेसिक मशीन है और सबसे ज्यादा पॉपुलर लेसिक मशीन है। 75% ऑपरेशंस, 100 में से 75 लोग अपने चश्मा हटाने का ऑपरेशन Alcon की मशीन पे कराते हैं, और बाकी जो मशीन है, जॉनसन जॉनसन, नाइट डेक, बॉशिलोम, Schwind, बाकी 25% लोग बाकी मशीन में कराते हैं। अच्छा, फिर आप देखेंगे कि दुनिया की सबसे पॉपुलर मशीन्स में Alcon की मशीन आती है पहले नंबर पे, जॉनसन एंड जॉनसन की मशीन आती है सेकंड नंबर पे, जाइस की मशीन आती है थर्ड नंबर पे, नाइडेक की मशीन आती है फोर्थ नंबर पे, बॉशिलोम की मशीन आती है फिफ्थ नंबर पे। सो टॉप 5 मशीन्स में Schwind Amaris का कहीं नाम भी नहीं है, कहीं लेना देना भी नहीं है लेसिक की पॉपुलर मशीन्स में ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको और क्लैरिटी मिली होगी दोनों मशीन्स कैसे डिफर करती है। फिर भी मन में कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में से जरूर पूछेगा। थैंक यू वेरी मच एंड आई विल बी बैक सून।